Hello viewers, मीडियम जिम फ्रॉम लिखन ग्रुप द स्मार्ट चॉइस फॉर योर फ्यूचर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मीन्स कि हम कह सकते हैं जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एस्टन बुक का क्लास 10th। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीन्स कि हम एस्टन बुक के जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसे हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे मीन्स हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में जो हमारा मीन्स की फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है और समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। मीन्स क्या होगा कि जब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो फॉल करेगी नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली, जैसे कि हमारी यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट जो है वो फॉल कर रही है एक प्लेन मिरर पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि प्लेन मिरर पर एक रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है नॉर्मली, या फिर हम कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो क्या होगा। तो एज ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन मिरर, अगर जो माई मीन्स रे ऑफ लाइट है वो फॉल करेगी नॉर्मली ऑन द मिरर, दिस मीन्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 degree। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो नॉर्मली फॉल कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वो 0 degree होगा। बिकॉज क्यों होगा हमारा, क्योंकि वो नॉर्मली फॉल कर रही है। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, वी नो डैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका क्या रूल है कि जो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस रे है, जो हमारी मीन्स इंसिडेंट होती है किसी चीज़ पे आके किसी मीन्स की मिरर पे और जाके वो क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है, उन दोनों का जो एंगल होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। तो क्या होगा कि वो हमारा ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें 0 degree हो ही गया है क्योंकि नॉर्मली फॉल कर रहा है प्लेन मिरर पे। तो हमारा क्या होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0 degree है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 0 degree Celsius अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, विल ऑल्सो बी 0, देयरफोर द लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग सेम पाथ। मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वो भी 0 है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था तो वो नॉर्मली फॉल करा परपेंडिकुलर बना के यहाँ पे, लेकिन जब हमारा हमें अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो मीन्स क्या कि ये जो है जिस पैथ से वो रिफ्लेक्ट होके आई थी लाइट इंसिडेंट हुई थी उसी पैथ से वो वापस क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो यही मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब था। तो ऐसे ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, question number 2। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 degree। मीन्स जो यहाँ पे हमारा रे ऑफ लाइट है इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 degree। यहाँ पे रे ऑफ लाइट या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कितना दिया गया है 30 degree, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 30 degree दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताना है। तो सोल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफोर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो बी 0, सॉरी बी ऑल्सो इज ऑल्सो बी 30। तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो इसका रूल है जो हम पढ़े हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन चैप्टर में, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 30 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कितना दिया गया है 30 degree दिया गया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा 30 degree। फिर question number 3 पे चलते हैं, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 degree। अब यहाँ पे ये इंसिडेंस रे नहीं है, मीन्स ये हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नहीं है, यहाँ पे हमें वो फाइंड करना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक जो रे है लाइट की वो स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर पर और वो भी एंगल कितना बना रही है 40 degree। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझने वाला है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक कर रही है एक प्लेन मिरर पर और बना रही है 40 degree एंगल जो कि यहाँ पे है।
वॉट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि ये नहीं समझना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्राइक करने की बात कर रहा है, कोई रे है लाइट की वो स्ट्राइक हो रही है प्लेन मिरर पे एट 40 डिग्री बना रहा है, तो हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मली वो फॉल्स कर रही है परपेंडिकुलर पे, एक कोई रे नॉर्मली फॉल्स कर रही है प्लेन मिरर पे और परपेंडिकुलरली हो सकती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री। तो ये जो 90 है वहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे 40 बना रहा है एक प्लेन मिरर पे, एक कोई जो लाइट स्ट्राइक हुई है वो 40 डिग्री बना रहा है, तो क्या करेंगे 90 माइनस 40 कर देंगे, तो हमारा जो इंसिडेंस रे है या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 40 तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 50 डिग्री। तो सेम अब हमें क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि क्वेश्चन सेकेंड में हमने करा था, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंस कर रही है नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर पर, वॉट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कोई रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंस कर रही है प्लेन मिरर पर, वो भी नॉर्मली, मीन्स क्या कि वो परपेंडिकुलरली भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 0 डिग्री होगा, तो जो वहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा है उससे हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा हमारा, वो 0 डिग्री होगा। तो इस वजह से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। सो देयरफॉर क्या होगा, उसी सेम पाथ पे हमारी जो लाइट है, मीन्स जो रे ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ऑन द सेम पैथ जिधर से वो आई थी, वहीं पे वो सेम वहीं से चली जाएगी, मीन्स यहाँ से वो फॉल करी थी नीचे की तरफ, तो क्या होगा वो फिर से रिफ्लेक्ट होके इसी पैथ से चली जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म, मीन्स कौन से टाइप की यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, प्लेन मिरर में कौन सी इमेज फॉर्म होती है, और जो हमारी मीन्स की सिनेमा स्क्रीन है उस पर कौन सी इमेज फॉर्म होती है। तो प्लेन मिरर पे हमारी कौन सी इमेज फॉर्म होती है, प्लेन मिरर पे हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, और सिनेमा स्क्रीन पे हमारी रियल इमेज फॉर्म होती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो प्लेन मिरर होता है उस पर हमेशा हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, और जो सिनेमा स्क्रीन होता है वहाँ पे हमारा मीन्स की रियल इमेज फॉर्म होता है। ऐसी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन 5 में पढ़ा कि प्लेन मिरर पे कैसी इमेज फॉर्म होती है, तो हमने पढ़ा कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो ऐसी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया है कि मीन्स वर्चुअल इमेज हमें फॉर्म करनी हो सेम साइज की, मीन्स जो ऑब्जेक्ट हम सामने रख रहे हैं फ्रंट ऑफ मिरर पे हम पुट कर रहे हैं, तो उसी ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की हमें मीन्स की कैसे दिखेगा, क्या चीज़ कौन सा मिरर हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे तो हमारी वर्चुअल इमेज एकदम सेम साइज़ जो ऑब्जेक्ट की है वैसे दिखेगी। तो यहाँ पे हमें प्लेन मिरर अगर हम यूज़ करेंगे तो जो हमारी वर्चुअल इमेज है वो सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी। फिर ऐसे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, वॉट इज़ द नेम ऑफ द फेनोमेनॉन इन विच द लाइट राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन ए प्लेन मिरर। अब यहाँ पे उस फेनोमेनॉन का हमें नेम बताना है जिसमें जो हमारी अगर हम राइट साइड का इमेज जो है हैंड या फिर कुछ भी पुट कर रहे हैं, तो जो हमारी प्लेन मिरर होती है उसमें क्या दिखाते हैं कि हम लेफ्ट साइड का हैंड पुट कर रहे हैं, तो वो कौन सा फेनोमेनॉन है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैटरल इन्वर्शन, जो लैटरल इन्वर्शन है वो ऐसा फेनोमेनॉन है जिसमें अगर हम
मिरर के फ्रंट में खड़े हैं और अगर हम राइट हैंड अपना पुट कर रहे हैं तो मिरर में क्या दिखाएगा, वो अपीयर्स होके किस में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड दिखाएगा कि हम लेफ्ट हैंड पुट कर रहे हैं। तो उस फेनोमेनॉन का नेम है लैटरल इन्वर्शन। फिर ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द फेनोमेनॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट। हमें फेनोमेनॉन का नेम बताना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस इफेक्ट के लिए जो हम अभी हम पढ़ने वाले हैं। When we sit in the front of a plane mirror, जब भी हम इसकी प्लेन मिरर के सामने बैठे होते हैं and write with our right hand और लिखते हैं अपने right hand से तो क्या होता है, वो appears हो जाता है मिरर में और वो क्या दिखाता है कि हम लिख रहे हैं left hand से, तो वो कौन सा phenomenon है। तो जैसे कि question 7 में था, सेम वही है कि अगर हम राइट हैंड पुट कर रहे हैं तो मिरर में हमें लेफ्ट हैंड पुट करते हुए दिखाई देता है, तो वो phenomenon है हमारा lateral inversion। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उतनी दूरी पे प्लेस है तो जो हमारा मींस प्लेन मिरर से हमारी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मींस कि यहाँ पे हमारा मिरर है तो यहाँ पे इतनी दूरी है हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे प्लेस्ड है, तो हाउ फार वुड बी इट फॉर्म इट्स इमेज, मीन्स कि कितने दूर पे हमारी इमेज फॉर्म होगी मिरर में। तो क्या होगा, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। मीन्स कि जो इमेज होती है हमारी वो फॉर्म होती है जितने जितनी दूरी पे हमारा रियल का जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है उतनी दूर पे हमारी जो मिरर में इमेज फॉर्म उतनी दूरी पे हमारी क्या होती है मिरर में इमेज फॉर्म होती है। तो वही यहाँ पे लिखा है, इमेज जो है वो फॉर्म कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस पे कैप्ट है इन द फ्रंट ऑफ मिरर उतनी दूर पे हमारी क्या होगी इमेज बनेगी। तो गिवन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की कितनी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो हमारा आंसर है उसके अकॉर्डिंग वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की कितनी डिस्टेंस, मीन्स कि अभी से फिर से समझते हैं कि ये मिरर है हमारा, मिरर के ऑब्जेक्ट ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 है, और मिरर और हमारी जो इमेज है यहाँ पे जो हमारी इमेज बन रही है उसके भी बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 है। हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, तो इसे क्या कर लेंगे 10 + 10 मीन्स कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है 20 सेंटीमीटर का, इतने वो मतलब दूर पे है, तो ये हो जाएगा। फिर ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक्स ए पेंसिल कास्ट ए शेडो वेन इट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स। मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी से जो हमारी लाइट क्या बना देती है, मेक ए पेंसिल कास्ट ए शेडो वेन इट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स, जब क्या वो हेल्ड होती है किसके फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स के, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, मीन्स की ये प्रॉपर्टी हमारी लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो लाइट हमारी होती है वो ट्रेवल होती है स्ट्रेट लाइन में तो वो क्या बना देता है पेंसिल की शेडो बना, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो बना देता है। व्हेन इट अगर मीन्स उसके फ्रंट ऑफ जैसे हमारी लाइट जा रही है उसके सामने कोई एक स्ट्रेट लाइन में हमारी क्या होगी लाइट जाएगी, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे वो क्या कर देगी उसकी शेडो बना देगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।